हाई गाइस, सो एज यू ऑल नो कि DSSSP ने अपना अगस्त और सितंबर का कैलेंडर निकाल दिया है एग्जाम्स का, एंड वी आर वेरी शॉक्ड कि अगस्त और सितंबर में वो ज़्यादा एग्जाम्स कंडक्ट करवा नहीं रहे हैं। मतलब काफ़ी सारी डेट्स ऐसी खाली है। अगर आप देखोगे तो सितंबर के मंथ में सिर्फ 2 या 4 तारीख को एक एग्जाम है, उसके बाद लास्ट में 27-26 के आसपास कोई एग्जाम है। सो बीच का टाइम उन्होंने पूरा की पूरा खाली छोड़ रखा है। मेरा अजम्पशन ये है कि हो सकता है वो सितंबर की एक और डेट शीट रिलीज करे जिसमें उन सारी डेट्स पे वो एग्जाम्स निकाले, नॉट अभी बट मे बी लेटर वो करेंगे। तो आप ये मत सोचना कि यार सितंबर में हमारे एग्जाम्स नहीं है, फिर जिन लोगों के एग्जाम्स की डेट नहीं आई है उनके एग्जाम नहीं होंगे। देखो हो सकते हैं क्योंकि पूरी डेट्स खाली पड़ी हुई हैं, बीच में वो एग्जाम रख सकते हैं और सितंबर का अभी जुलाई ही चल रहा है, वो अगस्त में भी निकाल सकते हैं, एक महीना पहले भी बीच में डेट्स निकाल सकते हैं। सो अभी जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि यार हमारे एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे, कोई पॉसिबिलिटी कुछ कह नहीं सकते। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है कि जिन लोगों की बल्क में वैकेंसीज निकली थी, जिनकी बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने फॉर्म्स भरे हैं उनके एग्जाम्स हो, पॉसिबिलिटी यही कहती है कि हो सकता है डिले हो, मे बी दिवाली तक देखने को मिल सकते हैं। बट येस, बाकी सारे जो एग्जाम्स हैं जिनमें वैकेंसीज कम थी और कम लोगों ने अप्लाई किया, उनके बहुत बहुत सारा चांसेस है सितंबर वाले मंथ में आपको एग्जाम्स देखने को मिल जाए, जहाँ पे वो पूरा की पूरा मंथ खाली पड़ा हुआ है, उन्होंने बस 2-3 तारीख के आसपास एक एग्जाम लिया और लास्ट में एक एग्जाम की डेट डाली है। और बाकी आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है DSSSP एग्जाम्स की? इसी एग्जाम्स डिलेड हो रहे हैं, एग्जाम का कुछ अता पता नहीं चल रहा है कि होंगे भी या नहीं होंगे, किसी को ये भी नहीं पता कि उनके एग्जाम 3 महीने बाद होंगे या 4 महीने बाद होंगे। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी, अगर आपको लग रहा है कि इट इज गेटिंग टू मच डिलेड, तो आप कुछ और चीजें स्टार्ट कर दो। इफ यू वांट टू डू अ जॉब, आप जॉब स्टार्ट कर दो। अगर आपको लग रहा है कि आप और भी चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, मे बी यू कैन टारगेट SSC CGL एग्जाम और एनी अदर काइंड ऑफ एग्जाम, तो आप उसकी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दो। बिकॉज DSSSP का हमेशा से रहा है, इन्होंने 1-2 साल बाद भी अपने एग्जाम्स कंडक्ट करवाए हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी अगर कुछ पोस्ट के एग्जाम्स इतने डिलेड हो जाए। बिकॉज बहुत सारी वैकेंसीज निकली थी, बहुत सारे पोस्ट पे एग्जाम्स होने हैं, तो आपको कोई आइडिया नहीं है कि DSSSP जिस स्पीड से करा रहे हैं एग्जाम, ये कितना टाइम लगेगा इन सारे एग्जाम्स को कंडक्ट करवाने में। सो मेन तो TGT, PGT, टीचिंग एग्जाम्स, नॉन टीचिंग एग्जाम्स और जूनियर असिस्टेंट वाले एग्जाम्स, ये सारे एग्जाम्स थे जिनमें वैकेंसीज बहुत सारी थी और जिनमें जैसे नर्सिंग ऑफिसर वाले तो एग्जाम्स इन्होंने निकाल दिए, काफी सारे डेट्स पे इनके एग्जाम्स हो रहे हैं। बट अभी भी काफी सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जहां पर बहुत सारे डेट्स पे वो एग्जाम होंगे बट उनकी कोई डेट शीट नहीं निकाली है। देयर इज अ चांस कि वो नवंबर तक हो सकते हैं। देयर इज ऑल्सो वन चांस कि हो सकता है वो एग्जाम्स आपके जनवरी में भी हों, वो एग्जाम अगले साल भी हो, डिले इतना भी डिले हो सकता है बिकॉज यू कांट प्रिडिक्ट दिस बोर्ड। PGT के इतने सारे एग्जाम्स पेंडिंग पड़े हुए हैं, अभी PGT का भी इन्होंने कुछ नहीं निकाला है। TGT के फिर उसके बाद तो और बहुत सारे एग्जाम्स हैं, एंड देन फिर PRT की जब वैकेंसी तो पता नहीं कभी निकलेगी। मैं अज्यूम नहीं कर रही अगले साल तक PRT का कुछ देखने को मिलेगा, बिकॉज अगले साल तक ये लोग ये सारे एग्जाम्स वाइंड अप कर लें, इनके लिए यही बहुत बड़ी बात है। सो आप लोग अपनी प्रिपरेशन चालू रखिए, और अगर आपको लग रहा है इट इज गेटिंग टू मच डिलेड, मतलब इतना थोड़ा होता है और कब, क्योंकि बिकॉज यार होता है कि एग्जाम जब होगा ना, एग्जाम होने के 1.5-2 साल बाद जॉब लगेगी, मतलब जॉब आपको मिलेगी, तो आपकी फर्स्ट सैलरी एग्जाम होने के 1.5-2 साल बाद आएगी। अभी एग्जाम होनी है, एग्जाम कब होंगे, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद, नहीं पता किसी को। सो अगर आप ऐसे पर्सन हो जो यू आर नॉट वेरी श्योर कि आपका एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा, और आप इस चीज को लेकर भी बहुत श्योर नहीं हो कि यार इसमें इतना करियर सिक्योर है या नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप साइड बाय साइड अगर जॉब करना चाहते हो, कुछ भी अपना करना चाहते हो जिससे आप फाइनेंशियली थोड़े बहुत सिक्योर हो सको, तो वो चीज स्टार्ट कर दो। बिकॉज गवर्नमेंट जॉब्स अगेन वेरी अनरिलायबल है, और करो प्रैक्टिस, कोई दिक्कत नहीं है। अब 100% अपना प्रिपरेशन करो, सब कुछ करो, एग्जाम दो, लेकिन 100 यही सोचना कि प्लान ए ही है, प्लान बी कोई अपने दिमाग में ना रखना, ये आपको फ्यूचर में बहुत टेंशन क्रिएट कर सकता है। सो साइड बाय साइड आप कुछ भी करके अपना, अगर लग रहा है आपको क्या इट इज गेटिंग टू मच डिलेड, तो आप अपना अर्न कर सकते हो शुरुआत अभी, या फिर कुछ और एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। डोंट वेस्ट दिस टाइम, मतलब सिर्फ DSSSP एग्जाम का सोच करके इस टाइम को वेस्ट मत करो, स्किल्स ऐड करो, नई चीजें सीखो, बिकॉज दिस वर्ल्ड इज मूविंग सो फास्ट, राइट? और जिस तरीके से एग्जाम्स डिलेड होते जा रहे हैं ना, उस तरीके से तो बहुत बहुत धीरे हो जाएगा ये सारा की सारा प्रोसेस, तो कभी, और इतनी सारी वैकेंसीज नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितने सारे बच्चों ने इसके लिए अप्लाई किया है, जिनकी लगनी होगी जॉब उनकी लगेगी डेफिनेटली, बट जिनकी नहीं लगेगी बिकॉज मेजोरिटी लोगों की नहीं निकलेगी, तो उनका उनको भी एक प्लान भी अपने दिमाग में रखना चाहिए। सो दिस इज मे बी योर टाइम टू थिंक अबाउट प्लान बी, और अपने एग्जाम के लिए भी वर्क करो, एग्जाम पे भी फोकस रखो अपना जितना रख सकते हो। आप डेडिकेटेड आवर्स दिखाओ कि हाँ भाई 7 घंटे हमें इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने, बट फिर जो 4 घंटे हमारे पास बच रहे हैं ना, हमें उसमें कुछ स्किल सीखना है, उसमें कुछ ऐसी चीज सीखनी है जिससे बाई चांस अगर हमारी कल को ये जॉब नहीं लगती है गवर्नमेंट जॉब, तो हम कुछ कर सकें, हम खाली ना बैठे या फिर हम डिप्रेस ना हो जाए।
ठीक है. सो या दिस वॉज माई एनालिसिस ऑफ दीज DSSP एग्जाम डेट्स. एंड सेप्टेम्बर में देर इज स्टिल चांस कि अभी वो और रिलीज करेंगे, मेरे हिसाब से करना चाहिए, बिकॉज आई डोंट नो सेप्टेम्बर में कुछ भी नहीं है, वो इलेक्शन वगैरह का भी कोई चक्कर नहीं है जो वो लोगों ने पूरा खाली छोड़ रखा है सेप्टेम्बर. लेट्स सी, आई मीन दिस बोर्ड इज टिपिकली अनप्रडिक्टेबल, तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं. बस आई वॉन्ट टू हैव दिस कॉन्वर्जेशन विद यू, सो आई हैड इट. आई थिंक मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करा होगा, इट वॉज जस्ट 5 मिनट वीडियो. एंड अगर आपको लगता है कि ऐसी वीडियो से आपका टाइम वेस्ट होता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप ऐसी वीडियोस पे क्लिक ही ना कीजिए. अगर आपको लगता है कि आपको डेट्स वगैरह का ऑलरेडी वेबसाइट है, वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन डालते हैं DSSP की वेबसाइट, तो आई डोंट थिंक सो आपको ऐसी वीडियोस को क्लिक करने की जरूरत है. बट इफ यू वांट टू लिसन समवन्स पर्सपेक्टिव, तो आप जरूर क्लिक करा करो ऐसी वीडियो. बट अगर आप ये सोच के करो कि अरे हमारा टाइम वेस्ट कर दिया, सो यू आप यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हो, तो इट इज योर फॉल्ट कि आप अपना टाइम वेस्ट खुद कर रहे हो. ठीक है. बट या मेरे को आपको कुछ चीजें बतानी थी जो शायद आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, दैट्स व्हाई आई मेड दिस वीडियो. मे बी सम पीपल विल फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड मे बी सम नॉट. सो या मेरी तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव था. एंड या That was it. मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में. Till then, goodbye.